जाओ भैया बाहर, जाओ बाहर, जाओ, चलो 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 जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अपने घर में सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज कोई कुकिंग की वीडियो नहीं है, कोई खाना नहीं है। आज है इस परिंदे के बारे में। मैंने 6-7 महीने पहले 4 तोते परचेस किए थे। मेरे जस्ट घर के थोड़ी ही दूर पर बर्ड मार्केट है, वहीं से मैं लेकर आई थी 6 तोते, जिसमें कि 5 उड़ गए, बट ये नहीं उड़ पाया। मैं उड़ाने के मकसद से ही लेकर आई थी, क्योंकि इतने छोटे से केज में 20-25 तोते ऐसे भरे रहते हैं, बेचारों को ना बैठने की जगह है, ना बैग, मतलब कि बहुत अफसोस लगता है, एकदम दिल दुखता है। तो वहाँ से मैं 5 तोते लेकर आई थी, तो 4 तो अच्छे से उड़ गए वो, बट ये नहीं उड़ पाया था। न जाने कब से ये केज में बंद है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आया है। इतना ज़्यादा ये इंसानों से डरने लगा है, इतना ज़्यादा डरता है। अभी देखिएगा, मैं हाथ लगाऊंगी ज़रा से, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये डरता है इंसानों से, देखिए बहुत ज़्यादा। रिक्वेस्ट है मेरी उन सब से जिनको बर्ड का शौक़ है, बट बर्ड कोई केज में रखने की चीज़ नहीं होती है, ये आसमानों के पाशिंदे हैं, आसमानों में उड़ना चाहते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, इनकी अपनी फैमिली है। प्लीज़ इतना ज़्यादा जुल्म मत करिए इन परिंदों के साथ। जिस टाइम मैं इसको लेकर आई थी परचेस करके, बहुत ज़ख्मी हाल में था, एकदम छोटा सा। ये जो केज आप देख रहे हैं ना, ये देखिए इतना बड़ा केज है, इससे भी छोटे केज में रखे थे कम से कम, नहीं नहीं 50 तोते तो रहे होंगे। और वो बेचारे इतने डरे सहमे, इंसानों पर से इनका इसका एतबार उठ चुका है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कल मैं इसको रिलीज़ करने जाऊंगी। आई होप अल्लाह करे कि ये उड़ जाए। मैंने इसको रखा, अच्छे से इसकी डाइट का ख्याल किया, अब तो ये बहुत ठीक हो गया। जिस टाइम ये आया था बहुत ज़ख्मी था, इसके सर में चोट लगी थी, इसके पैर में चोट लगी थी, जगह जगह से ब्लड आ रहा था। बहुत केयर करने के बाद अब थोड़ा ये ठीक हुआ, लेकिन बट अभी भी इसकी दुम नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये खुश नहीं है, इसको आसमान में जाना है। और इंशाल्लाह कल मैं इसको आज़ाद करने जाऊंगी, और आप लोगों से भी यही दुआ है कि इसके लिए दुआ करें कि ये उड़ जाए, कि ये केज में रहता है मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मेरी जो मिट्टी है उसको मैंने रेस्क्यू किया था, उसको ही मैंने पाला नहीं, मैंने ये उसके लिए भी सोचा था कि हाँ उसको भी उड़ा दूँगी, बट क्या है ना, वो नहीं सरवाइव कर पाएगी वाइल्ड लाइफ, उसको नहीं मालूम कि कहाँ खाना है, कहाँ पानी है, खुद उसके ही सब तोते मिलके उसको मार देंगे, क्योंकि उसको नहीं रहना आता वाइल्ड में। और वो घर में इतना सबसे अच्छे से घुल मिल गई है कि पूरे टाइम खुली रहती है, जहाँ मन होता है वहाँ जाती है, जो मन करता है वो करती है, कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं लगाई मैंने। एक बार तो बाहर चली भी गई थी, लेकिन ये फिर वापस आ गई। बट ये जो मिट्ठू है, इसको कल तो उड़ाना है, बस
अल्लाह से दुआ है कि ये उड़ जाए। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ इन बर्ड्स को केज में मत बंद करके रखिए, बहुत मासूम होते हैं ये, बहुत खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह की ये मखलूक बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने अगर आपको सारी मखलूकों से ऊपर रखा है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। इन बेज़ुबानों के साथ इतना ज़ुल्म मत करिए। और जिस तरह से रखते हैं केज के अंदर इतने ढेर ढेर सारे, खाने को एक कटोरी में दाना रख दिया, बस एक कटोरी में दाना, एक कटोरी में पानी, अब वो उसी में खा रहे हैं, उसी में पॉटी करते हैं, गिरा रहे हैं, और रात में चले गए अपने घर दुकान बंद करके, और वो अंदर अंधेरे में। कितने तो ऐसे मैंने देखे हैं उस केज में पैरेट जिनकी आँख फूट गई, पैर टूटा है, ऐसे ऐसे पैरेट थे। यही मेरी अल्लाह से दुआ है, और इसके लिए भी दुआ है कि जब हम इसको रिलीज़ करें कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। बहुत मासूम, बहुत प्यारा है ये, देखिए कितना भोला सा है। बहुत कोशिश की, 5-6 महीने से ये मेरे पास है, बहुत कोशिश की कि हाँ ये घुल मिल जाए मेरे साथ, जैसे मेरी मिट्टी रहती है वैसे रहे, ये मेरी मिट्टी से दोस्ती हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। बट अब इनको रिलीज़ करना है, ये जाए अपनी फैमिली के पास खुले आसमान के नीचे, और रिस्क देना तो अल्लाह का काम है। बिट्टू जिधर आओ नीचे आओ, नीचे जाओ, कहाँ गए? नीचे आओ नीचे, चलो कंटिन्यू जा।